कानपुर के रविदासपुरम पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग मंत्री असीम अरुण। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चौपाल कार्यक्रम में हुए शामिल। मंत्री असीम अरुण ने स्कूटी पर सवार होकर किया गांव का निरीक्षण। गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी मंत्री के साथ स्कूटी पर रहे मौजूद। मलिन बस्तियों की गलियों में गंदगी, पानी और सीवर की समस्या को हल करने के दिए निर्देश। दो दिन पूर्व रोड एक्सीडेंट में देहांत हुए युवा के घर भी पहुंचे परिवार का जाना हाल। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भी किया आश्वासन। मंत्री ने जनता से की सीधी बात और सुनी समस्याएं। वृद्धाश्रम भी पहुंचे असीम अरुण, बुजुर्गों से की बातचीत, सुविधाओं को परखा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। जी, आज कानपुर के प्रवास के दौरान मैंने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया है और जो हमारे बुजुर्गजन यहाँ पे रह रहे हैं उनसे बातचीत की, तो समानता लोगों ने संतुष्टि बताई, लेकिन कुछ कमियाँ मैंने पाई, जैसे कि मच्छरदानी की व्यवस्था अभी नहीं है और समय ऐसा है कि मच्छरदानी होना चाहिए, वो हम लोग करते हैं तुरंत। साथ ही साथ अभी CMO साहब से मैं बात करूँगा, निर्देशित करूँगा कि नियमित रूप से डॉक्टर आएँ, दवाएँ दें। दो और काम हमें करने हैं, कुछ हमारे ऐसे वरिष्ठ जन साथी हैं जिनकी वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनी है, तो वो बनवाएंगे ताकि उनको एक आय भी रहे, और आयुष्मान कार्ड कुछ लोगों के नहीं बने वो भी बनवा देंगे, जिससे कि जब आवश्यकता पड़े तो उनके पास मेडिकल सिक्योरिटी रहे, वो आयुष्मान कार्ड और उसकी सेवा का लाभ उठा सकें। मोटे तौर पर व्यवस्था अच्छी है, ज़्यादातर प्रवासी संतुष्ट हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन हर चीज़ को हमेशा और अच्छा करने का मौका होता है तो इसको और अच्छा करेंगे। जी, जो हमारा वृद्धाश्रम है, यहाँ से मॉर्निंग वॉक या शाम की सैर के लिए जा सकते हैं लोग, लेकिन जिन सज्जन ने ऐसा कहा उनकी एक मेडिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से उनको ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं है, जिसकी वजह से रोका गया। ठीक है।